तो है गाइस, फाइनली हम लोग बस्ती में एंट्री कर चुके हैं और जा रहे हैं फ्यूजी फिल्म वाले में। अभी हम लोग यहाँ पे रंजीत चौरान आ गए हैं, अभी यहीं पे पहुंचे गाइस। तो फाइनली भी वहाँ पहुंच के आप लोग को लोकेशन दिखाते हैं कहाँ पे आज फ्यूजी फिल्म का लगा हुआ है, रोडवेज के थोड़ा सा आगे कोतवाली से पहले गाइस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री रेस्टोरेंट के पास। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से यहाँ का लोकेशन, बहुत ही अच्छा बहुत ही तगड़ा गाइस। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और एंटरटेनमेंट लेते रहिए गाइस। फाइनली रहा श्री रेस्टोरेंट और हम लोग को यहाँ से जाना है और हमारे अध्यक्ष जी आ चुके हैं यहाँ पे और लतीफ़ भाई भी आ चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं और आप लोग को मिलाते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अंदर, एंट्री करते हैं और हमारे अध्यक्ष जी आ चुके हैं और ये रहा हम लोग का फोटोग्राफी एसोसिएशन बस्ती उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है गाइस। फाइनली आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कौन कौन है और क्या है। सो गाइस यहाँ पे हमारे लतीफ़ भाई आ चुके हैं और हमारे अध्यक्ष जी अभी जा रहे हैं ऊपर और भैया भी यहाँ पे आ चुके हैं गाइस। अभी ऊपर लतीफ़ के चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सेकंड फ्लोर पे और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। गाइस फाइनली खुल चुका गेट और हमारे अध्यक्ष जा रहे हैं अंदर, आइए दिखाते हैं आपको अंदर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हाल में और ये रहा यहाँ का डेकोरेशन, सब लोग के खाने की व्यवस्था की गई है। जो लोग यहाँ पे खाना खा के आएंगे उनके लिए है और जो नहीं खा के आएंगे उनके लिए भी है। अभी पूरा पूरा हाल खाली है, यहाँ पे खाली लतीफ़ भाई आ चुके हैं और अध्यक्ष जी आ चुके हैं और हमारे साथ अर्जुन भाई भी आ चुके हैं गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे एक सर भी आ चुके हैं जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे गाइस। फाइनली रेस्टोरेंट करता है गाइस। फाइनली सो गाइस फाइनली आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकेशन, एक नंबर। गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, चल रहे हैं रेस्टोरेंट का मजा लेंगे और देखते हैं क्या रेस्टोरेंट कैसा है। हां है क्या और जाओ, हां रेस्टोरेंट में चल रहा है। गाइस फाइनली रहा हम लोगों का रेस्टोरेंट श्री रेस्टोरेंट का, तो अभी चल रहे हैं अंदर आपको दिखाते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा है। सो गाइस फाइनली यहां का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और यहां रहा का डेकोरेशन और रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है गाइस। हाँ तो दोस्तों हम लोग के बीच में विकास बाबू जी आ चुके हैं जो फ्यूजी फिल्म के मेंटर ठहरे और इससे पहले एक बार हम लोगों को 4 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी और हमारे अध्यक्ष जी इनका स्वागत कर रहे हैं फूलों से। हाँ तो दोस्तों हम लोग के बीच में राजकुमार जी आ चुके हैं जो फ्यूजी फिल्म के मेंटर है, आइए इनसे हम लोग कुछ बात। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आप सबको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे लतीफ़ भाई और मोनू भैया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी फोटोग्राफर भाई हैं उनको सबसे पहले मैं नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ तो गाइस देखिए हमारे जितने भी फोटोग्राफर भाई बस्ती जिले के हैं सब लोग बहुत ही आराम से विकास बाबू का स्पीच सुन रहे हैं। कैमरा लेके आए हुए हैं, आपका मोबाइल शूट करने वाला है वही आपको दिखा रहे हैं। आने वाले समय में फिर कंपनियों ने भी हर कैमरे में ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी दी। हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग अपने कैमरों की सेटिंग में इतना उलझे रहते हैं। तो गाइस फाइनली सभी फोटोग्राफर भाई एक साथ बैठ के यहाँ पे समझ रहे हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं कि जब कैमरा हो रहा होगा तब सेटिंग कर पहले। हाँ तो दोस्तों जितने भी फोटोग्राफर भाई आए हुए हैं सबके सभी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ समझने के लिए आए हैं गाइस। जैसे कि आप सबको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जितने भी फोटोग्राफर भाई आए हुए हैं सबके सब बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं और अपना टाइम और वक्त दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और सबके सभी लोग अपना अच्छे समझें और अपने काम को इंटरेस्ट लें। जो सब कुछ बता रहे हैं गाइस, ठीक है, ये है आपका सेंसर। अगर वैसे पर्यायवाची या वैसे उसमें भावार्थ की तरह से देखें तो मूवी में भी एक सेंसर होता है,
एडल्ट मूवी का होता है, ये सब भी सेंसर है, सेंस वाला भी सेंसर है, तो आभास करना है। दिख रहे तीन सेंसर है, सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक। हम ये भूल जाते हैं कि हम आज एक का पेट काट रहे हैं, एक का काम काट रहे हैं, हम ये सोचना भूल जाते हैं कि कोई हमारा भी काट सकता है। और एक दूसरे के काटने के चक्कर में आज की डेट में काम कौन कर रहे हैं, जिन्होंने EMI पे कैमरा उठा लिया है, कोई स्टूडियो है नहीं, कोई लड़के का लोड हो नहीं, कोई बिजली का बिल है नहीं, कोई किराया है नहीं, ये जो साइज होता है, ये इसका मानक कहाँ से आया? मतलब फुल फ्रेम कैमरा कुछ भी हम मार्केट में हवा बनाए, फुल फ्रेम फुलिंग में पहले कैमरे आ जाते थे, आज की डेट में आपको ऑपरेटर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब आपकी जो क्षमता वो वाला सेव ले लो। हमारे काम क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आप जो शादी 30,000 में उठा रहे हैं और जो लड़का 10,000 में उठा रहा है, दोनों के काम में फर्क बता पाएंगे? पार्टी वो फर्क समझ पाएगी? नहीं समझेगी, वो सिर्फ पैसे का फर्क दिखता है, नहीं दोनों चीज दिखती है। वो एल्बम वो भी है, एल्बम वो भी है, सिर्फ फोटी से खींचा जाएगा वो भी एल्बम बनेगा, और DSLR से खींचा जाएगा, इससे खींचा जाएगा, मिररलेस से वो भी एल्बम बनेगा, उसी में तो यही अंतर है। यही चीज का फर्क है। तो मान लीजिए जब तक दिखाया नहीं जाएगा तब तक हम एक बात बताएं, असली एल्बम प्रिंट करवाएंगे वो भी एल्बम बन जाएगी, और लखनऊ में एल्बम प्रिंट करवाएंगे। आप लड़के के भरोसे काम कर रहे हैं तो वो लड़का जो खींच के लाएगा वही एल्बम छपवाएंगे ना? ठीक, वो लड़का ही जाके कहे कि भैया तो दुकान पर बैठे रहते हैं, हम ही खींच दें, छपता वही है, तब कितना अंतर रह जाएगा एल्बम में? ये चीजें तो कुछ अंडरस्टूड रखनी पड़ेगी। हमारे साथ समस्या क्या है कि हमको अपने काम का लेवल, हम कहते हैं आप 25,000-50,000 रुपए मांग रहे, मैं कहता हूँ मैं आपको 2,00,000 रुपए की शादी दे रहा हूँ, 2,00,000 रुपए की शादी में आप क्या अलग करते हैं? मैं 3,00,000 रुपए आपको दे रहा हूँ, 5,00,000 रुपए दे रहा हूँ एक शादी का, कौन फोटोग्राफर क्या अलग कर देगा मुझे बता दे यहाँ पे, जितना आदमी है बनेगी पूरी 5,00,000 रुपए आदमी जो भी। कई बार तो ये कहेगा कि भैया ये इनकी आखिरी फोटो थी, ये तो खर्च हो गया, निकल नहीं है, अब तो इनका फोटो ही नहीं है, और वो भी आप खराब कीजिए। एक बार मेरे है क्लाइंट पर आया, उसने कहा भैया मेरे यहाँ फोटो कमाई है, हमने कहा बताओ भैया कैसे फोटो तुम्हारी कमाई है, तो कहीं मेरे यहाँ 30,000 लोग आए थे, मेरे यहाँ फला फला आए थे, हमने कहा कैमरा मैन कितना बुक किए थे पहले ये बताओ, तो उनको फोटो कितनी बनवानी थी, तो अब तो हम लोग फोटो, हम तो फोटो बुक करते हैं, अगर तुमको 30 सीट बनवानी है तो तुमको 350 फोटो ज़्यादा नहीं देंगे, 350 फोटो से ज़्यादा खींच करके देंगे ही नहीं, बिल्कुल सही बात, कैलकुलेशन वही कर लेंगे, 25 फोटो तुम्हारी 30 फोटो है, हल्दी में खींची जाएगी, एंगेजमेंट में 50 फोटो खींची जाएगी, बहुत ज्यादा शौक खिंचवा दे, उसी हिसाब से खींचते हमारे यहाँ सागर काम किए बताएंगे। हाँ, काम करते तो हमारा यही कहना है कि जब आप अपना सिस्टम ठीक रखेंगे, आप अपने काम का तरीका बदलेंगे, नहीं तो आप साल साल भर में 9-9, 10-10 लाख रुपए का काम करेंगे। सो हे गाइस, हमारे राजकुमार सर फ्यूजी के मेंटर जो हैं वो बता रहे हैं, और सभी फोटोग्राफर भाई एक साथ यहाँ पे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं गाइड, जो कि अभी हम लोग को लगन में काम आएगा। पक्का ये सही बोल रहे हैं? 19-20-10-80 ठीक है, बात काटना है तो काट के मानेंगे, कोई बात नहीं, और क्या निर्देशन? ये सब हमारे बड़े सदस्य फोटोग्राफर सर जी लोग हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। 38-40-21-60 ठीक है, चलिए दिखा देते हैं भैया, ठीक चला सकते हो, सबको समझ आएगा। सो हे गाइस, फाइनली दोस्तों आज प्रोग्राम समाप्त होने वाला है, और सभी मित्रगण जा रहे हैं खाना खाने,
आइए आपको दिखाते हैं और तब जो फोटो खींचा जाएगा कहीं, आइए आपको दिखाते हैं राजकुमार भैया जो हमारे मेंटर थे, वो भी आ चुके थे और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया गाय और सबके सभी तैयार हो गए गाय। सीआई फॉर्मेट पे आप देखिए छोटा सा कैमरा है और आफ्टर डिस्काउंट मिलेगा 1,07,000 रुपए का। अब फीचर सुनिए, 2,00,000 के ऊपर डीसीआई फॉर्मेट पे 4K बनाता है। पहली चीज आप स्लो मोशन 120 से ऊपर किसी 2,00,000 के ऊपर कैमरे में नहीं बना सकते हो। हे गाइस, फाइनली ग्रुप फोटो होने जा रहा है बस्ती एसोसिएशन की तरफ से, तो यहाँ पे सभी भाई लोग आए थे, सब लोग का ग्रुप फोटो बनने जा रहा है गाइस, तो आप लोग ब्लॉग बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस फाइनली यहाँ पे सभी फोटोग्राफर भाई साथ आए हैं और यहाँ पे सारे लोग फोटो जा रहे हैं गाइस। गाइस फाइनली हमारे फोटोग्राफर भाई बस्ती के जितने लिए सारे के सारे लोग आ गए हैं ग्रुप में, ये सब सभी रहे फोटोग्राफर भाई। तो ये गाइस फाइनली हमारे विकास सर हैं, पेंटर जी हमारे ग्रुप फोटो का सेल्फी ले रहे हैं गाइस, स्माइल करेंगे। 3 यस ये म्यूजिक फिल्म, म्यूजिक फिल्म ये ग्रीन मिला हो तो बोल सो हे गाइस फाइनली सभी फोटोग्राफर भाई जा रहे हैं अब खाना खाने, जो कि इधर का ग्रुपिंग का काम हो गया और सब लोग जा रहे हैं खाना खाने। आइए देखते हैं इधर। तो हे गाइस फाइनली हमारे फोटोग्राफर भाई बैठ चुके हैं खाने। मैंने सबके साथ ही नाम से दिखा लो, अगर आप नहीं देख लियो तो कौन दिक्कत बात है। फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है और यहाँ पे भी थोड़ा कैमरे के बारे में डिस्कस हो रहा है गाइस, तो लोगों को ये दिखाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, आप लोग घूमने रहिए। तो ये गाइस फाइनली लोग कैमरे के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग लिफ्ट से आ रहे हैं नीचे, खाना वाना खा चुके हैं, अभी लिफ्ट चल नहीं रहा, अभी चलेगी। दो नंबर दबाओ, दो नंबर हम लोग जा रहे हैं नीचे, आइए बाइक कैमरे से आपको दिखाते हैं। बहुत स्लो चलता है लेकिन तुम फास्ट हो ना, हम तो फास्ट है ये भी। तो हे गाइस फाइनली हम लोग आ गए भगत मार्केट जाने घूमने और देखते हैं यहाँ पे कुछ ढंग का मिलता तो लिया जाएगा, नहीं आगे बढ़ा जाएगा।